Hello everyone, I hope you are doing good. So, मुझे मेरे मेडिकल का मेल आ चुका है फाइनली और इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है मेडिकल प्रोसेस, कितना टेस्ट करवाना रहता है और कितना खर्चा आता है, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में जो भी मेडिकल का खर्चा आएगा वो हमें ही देना रहता है, इंडिगो का नहीं है। इंडिगो में तो एयरलाइन वाले पूरा खर्चा उठाते हैं पर इसमें हमें देना रहता है। फिर अभी आगे का तो मुझे आइडिया नहीं है कि ट्रेनिंग में जाने के बाद वो लोग पैसा दे देते हैं या क्या होता है, पर फिलहाल तो अभी हमें ये सब खर्चा करना रहता है। तो जितना भी मेरा पूरा मेडिकल प्रोसेस हो जाए उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि टोटल कॉस्ट कितना आया मेडिकल का। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो ना देखी हो तो वो जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या हुआ था और मैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा था, तो उसमें मैंने वो शेयर किया हुआ है। और एक और चीज़ है, जब वो लोग मेल भेजते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि NABL सर्टिफाई होना चाहिए लैब, तो मैंने अपोलो चूज़ किया था क्योंकि अपोलो तो सबसे बेस्ट रहेगी और वो लोग अप्रूव कर ही देंगे, मतलब एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले अपोलो का। तो मैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल पहुंच गई थी एंड इट टुक मी अराउंड 45 मिनट्स, क्योंकि मेरे 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था मेरे घर से। फिर मैं जैसे ही अंदर गई वहाँ पे ऐसा डेस्क था और पूरा प्लान लेने का था हेल्थ चेकअप का, तो पहले पैसा जमा कराने का, उसके बाद सारी प्रोसेस होती। जैसे ही मैंने फीस जमा करा दी तो उन्होंने ऐसे हाथ में बैंडेज दिया था जो हमें थ्रू आउट दी प्रोसेस पहने ही रहना था उसको, और आपको मेल जब आएगा उसमें PDF रहेगी, वो आप जरूर करवा के ही जाना क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में ये फॉर्म फिल करते हैं। आगे प्रोसेस हुई तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट था, ब्लड टेस्ट के बाद काफ़ी कुछ आगे प्रोसेस होने वाली थी। फिर बाद में आई चेकअप हुआ था, उसमें कुछ मतलब सिंपल सा था। फिर पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल था कि हमें पूरा घूमना पड़ रहा था, काफ़ी सारे टेस्ट होने थे, 15 to 16 टेस्ट, और इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, 1-2 घंटा तो हमें AC में लग गया था और अलग अलग रूम्स में जा रहे थे हम चेकअप कराने के लिए। बीच में हमें ऐसा खाने के लिए दिया था आधे ही टेस्ट में, खाने के बाद हमारा आधा टेस्ट और होना था। फिर लास्ट में ये फॉर्म फिल कराया, डॉक्टर को मिलने जाना था, उससे पहले ये फॉर्म फिल करना था। थोड़ा वेट करने के बाद फिर हमें फाइनली लास्ट में टेस्ट आ गया था, रिपोर्ट्स हमारे, ये मेरा टेस्ट आ गया है और सब नॉर्मल ही था, डॉक्टर ने भी कहा कि सब नॉर्मल है। सो लास्ट में टोटल कॉस्ट कुछ 15,000 आया था मेडिकल का, उसमें सब कुछ हो गया था। फिर घर पे आने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF के फॉर्मेट में एयरलाइन को भेज दिए। अब आगे जो भी प्रोसेस होगी उसके बारे में मैं व्लॉग बनाऊंगी। इफ मेडिकल के रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।